आज शमशेर का जन्मदिन है और देखो जेल में। लेकिन पापा जी एक बात बोलूं, शमशेर चाचा जी ना जेल में बैठ के भी कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे आपके खिलाफ, और खास तौर पे अपने रविंदर पुत्र के लिए। तस्वीरें शमशेर से जितना दूर हो ना उतना अच्छा। नालायक कहीं का। पापा जी मैं नालायक? ओए वो तेरे को नहीं कहा, शमशेर को बोला मैं। और तू तो बस रविंदर का खास ध्यान रखा कर, समझा? जी पापा जी। जब देखो जी पापा जी करता रहता है। ओ कोई काम भी कर लिया कर। फूफी मैं आज एक बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, पता है? मैं ना पतंगे काट के आया हूँ और मैं फिर से जा रहा हूँ पतंगे काटने। पापा जी मैं जा रहा हूँ पतंगे उड़ाने। अपना मिशन तो याद है ना जमुनिया? जमुनिया नहीं जैमी, टनाटन याद है। पापा जी के चरण छुओ। ओए 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 बड़ी बिटिया जमुनिया। ओए जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे, जिंदी रहे। हाँ हमारे पड़ोसी अपने घर से ज्यादा हमारे घर में रहते हैं। रविंदर आज से मैं जो बोलूँगा वही तू करना, मैं तुझे क्रिकेट का सचिन बना दूंगा। ओए तब तो हमारा पुत्र जो है धर्मपुरा में बहुत ही फेमस हो जाएगा। हाँ? रविंदर इनसे मिलो, हमारी बड़ी बिटिया जैमी, और जैमी ई रविंदर है। वो तेरी जगुनिया कहाँ गई? जगुनिया नहीं बबुनिया मासी के घर गई है। रविंदर मुझे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे हाँ हाँ जाओ आराम से खेलो, कमरे में जाओ जाओ खेलो खेलो। मेरा नाम जमुनिया। मेरा नाम रविंदर। चलो चलो मेरे रूम में खेलते हैं, चलो। की दोस्ती हो गई टनाटन पक्की। आजू बाजू वाले यहाँ से जा रहे। मैं तुम्हें अपनी चीजें दिखाती हूँ। ये ना बालों में पहनते हैं ऐसे। और ये है ईयर रिंग्स जो कानों में पहनते हैं। टनाटन मैचिंग वाले स्टाइलिश कपड़े पहनती हूँ, टनाटन मैचिंग वाले झुमके पहनती हूँ। और हाँ जब मैं बड़े से होटल में खाना खाने जाती हूँ ना तो मैं ऐसे बैठती हूँ। रविंदर तू तो लड़का है, फिर ये सब क्यों देख रहा है? जब एक लड़की बात करती है तब बीच में नहीं बोलना चाहिए। टनाटन मैंने सीखो जाकर। मोटू कहीं का क्या बोला? क्या बोला? फिर से बोल। यही कहा कि हमें बात करने दो। क्यों करने दो? लड़की वाले चीजों से हमारा क्या काम? तुम्हारा नहीं तो क्या हुआ, रविंदर का तो है। हम दोनों एक ही है। नहीं ये है रविंदर, तुम हो बंदर। क्या क्या बोला? जोर से बोलो, जोर से बोलो। रोहन शांत, कंट्रोल। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। देवी तुम भी चुप रहो। काश अमन मेरे साथ होता। अच्छा हुआ वो चला गया, नहीं तो टनाटन तुम्हारा दिमाग खाता। हाँ आने में तो वो माहिर है। वो तो छोड़ो, तुम्हारे कपड़े बहुत स्टाइलिश है। बबनिया ने मुझे बताया कि तुम्हें भी लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता है। वो नहीं कभी कभी ऐसे ही। ये देख ऐसे चलते हैं मर्दों की तरह। समझे? और ऐसे हंसते हैं। और ऐसे रुबाब दिखाते हैं। अबे ओए खोते, तू मेनू जानता नहीं है। मैं तेरा एहसास करूंगा कि तू पहचान नहीं पाएगा कि तू सरसों दा साग है या फिर मक्के दी रोटी है, समझे? मजा आया ना? हाँ। जेबी, कितना मजा आया ना इस गेम में? अरे मुझे तो इससे भी टेराडन गेम आता है। अच्छा कौन सा गेम? मम्मी मम्मी गेम। कैसे खेलते हैं? इसमें मम्मी जैसे कपड़े पहनकर, मेकअप कर मम्मी जैसे बातें करते हैं। अरे वाह, मुझे अपनी मम्मी की तरह बनना बहुत अच्छा लगता है। वही तो, देखना जब हम दोनों मम्मी की तरह सच धज कर ये गेम खेलेंगे तो कितना मजा आएगा। अभी खेलते रहो। अरे नहीं, शाम को 5 बजे खेलेंगे। और हाँ, तुम इस गेम की बात किसी से मत बताना। हम रोहन और रमन को भी नहीं बुलाएंगे। हाँ तुम देखना, मम्मी जैसी बनकर तुम टराडन लगोगी। चलो हम फिर से कितली खेलते हैं। रविंदर, तूने फिर से लड़की वाला खेल खेलने शुरू कर दिया। देखो, अपने काम से काम रखो, नहीं तो जो करना है वो कर लेना। लेकिन अभी यहाँ से सीधा अपने घर जाना, क्योंकि हमें और भी बहुत काम है ना रविंदर? हाँ हाँ रोहन सही कह रहा है, हमें बहुत काम है। अच्छा जाती हूँ। मम्मी मम्मी साथ में खेलेंगे। ये क्या खुसुर-फुसुर लगा रखी है? चलो जाओ ऐसे, जाओ। रविंदर, अगर तूने उसके साथ खेलना बंद नहीं किया तो वो तुझे लड़कियों जैसा बना देगी। आज से मैं लड़कों की तरह तुम्हें शान से जीना सिखाऊंगा। लेकिन रोहन। लेकिन कुछ नहीं, आज हम एक नया गेम खेलेंगे। तो कौन सा? मिलिट्री अफसर वाला खेल। इससे कैसे खेले? इसमें तू मिलिट्री का अफसर बनेगा, ठीक है ना? आज शाम 5 बजे मिलिट्री अफसर। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। आज शाम को 5 बजे जो मुझे जेमी के साथ मम्मी मम्मी ड्रेस में खेलना है, और रोहन के साथ भी शाम 5 बजे मुझे मिलिट्री ड्रेस में मुझे खेलना है। ओहो, अब मैं क्या करूं?